ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिंदी फिल्म का एक गाना आपने बहुत सुना होगा कि अगले जन्म मुझे बिटिया ना कीजो। इसमें एक दर्द है बेटी का, एक दर्द उनका भी समझ लेते हैं जो किन्नरों भोले बाबा के अर्धनारीश्वर स्वरूप में भव्य कावड़ लेकर आ रहे हैं। दूसरी बार मन्नतों वाली कावड़ लेकर आ रहे किन्नरों का दर्द ये है कि अगले जन्म हमें किन्नर ना कीजो बल्कि बेटा या बेटी बनाकर भेजना। मनोकामना ये है कि दुश्मन के घर भी किन्नर पैदा ना हो। समाज का एक ऐसा हिस्सा जिसे किन्नर कहा जाता है, वो समाज में होते हुए भी मुख्य धारा से हटकर रह जाते हैं। अक्सर आप किन्नरों को देखते हैं कि जब आपके घर में खुशियां होती हैं तो वो घर पर बधाइयां मांगने के लिए आते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि किन्नर समाज से जब आशीर्वाद मिलता है तो वो खूब फलता और फूलता है। लेकिन यही किन्नर समाज इस कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान भोले से भी आशीर्वाद मांगने के लिए निकला है बुलंदशहर से। ये जो किन्नर समाज के लोग हैं, बाबा का अर्धनारेश्वर रूप लेकर एक भव्य और दिव्य रूप में हरिद्वार से गंगा जल लेकर बुलंदशहर तक के लिए निकले हैं। एक पूरी अपनी टोली के साथ निकले हैं और इन्होंने जो बाबा का अर्धनारेश्वर रूप है उसे बड़े भव्य तरीके से सजाया और संवारा है। बाबा का अर्धनारेश्वर रूप है मोर की पंखियों से सजा हुआ और उसके पास में दूल्हा और दुल्हन को एक रूप में बिठाया गया है। इनसे सीधा बात करते हैं, बाबा का अर्धनारेश्वर रूप लेकर आ रहे हैं, उसके पीछे कोई खास वजह? कोई वजह नहीं है, ये हम लोगों के भगवान होते हैं, हम इन्हें बहुत मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं। कोई वो लोग इन्हें जानते हैं, कोई नहीं जानते, तो वजह यह है कि काफी लोग जाने इन्हें, पहचाने इन्हें, भी कुछ माने, ये भी बहुत बड़े वो होते हैं भगवान। बोलो शंकर भगवान की जय। अच्छा, बाबा का जो अर्धनारेश्वर रूप है वही कहा जाता है किन्नर समाज से भी ताल्लुक रखता है? जी 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 बिल्कुल, अर्धनारी होता है ना वो, आधे नर आधे नारी, तो इसलिए उसे बाबा का रूप कहा जाता है, हमारा रूप होता है ना वो, इसलिए जी। तो ये कौन सी कावड़ है आपकी? हमारी कावड़ है अर्धनारेश्वर सेवा समिति, दूसरी बार है, दूसरी कावड़ है। अलग अलग आप इसे सजा समा कर लाते? अलग अलग, अलग अलग डीजे लाती हूँ, अलग अलग ही कार सजा कर लाती हूँ सब बच्चों वालों को। तो बाबा का कोई भजन अपने ही अंदाज में सुना दीजिए, सारे सब लोग साथ हैं आप। सुना दे। हाँ। ये कुछ भी हो जाए, व्हाट इज सुना। अरे भंग चढ़ गई भोले नाथ, मन तो तेरी भंग चढ़ गई, भंग चढ़ गई भोले नाथ, मन री भंग चढ़ गई। ये गोरा अमृत का जल है, मैंने तुझसे किया नहीं चल है, मैंने तुझसे किया नहीं चल, चल कि मैं बात न करती, चढ़ गई भांग इसीलिए डरती, चढ़ गई भांग इसीलिए, दिल भी रुक के देख मन दिए जादू कर गई। कर भगवान की जय, नरस भगवान की जय। आप भी साथ चल रही हैं लगातार बाबा का अर्धनारेश्वर रूप लेकर? हाँ जी। तो आप जब जाते हैं तो ये कहीं मन में रहता है कभी, मैं ये मन्नत रही है कि हे ईश्वर जब हमें पुनर्जन्म दे तो इस योनि में ना दे, हमें अच्छा जन्म दे, अच्छा ने लोग लुगाइयों को दे, हम जैसा जन्म ना दे, सबके हाथ जोड़ते पैर, भारत में ये जन्म किसी को ना दे, सबको अच्छा रखे, सबके बच्चे जीते रहे, सबकी रोजी रोजगार में बरकत, तो हमारे कौन सा खेती है, आप ही लोग हमारी खेती, हम तो आप लोगों के लिए दुआ करते और हर साल कावड़ लेके आते हैं जिला बुलंदशहर से, हमारी गुरु प्रिया। कह रहे हैं आप दुश्मन को भी ना दे, ऐसा जन्म का दुश्मन दुश्मन के बच्चों को भी ना दे, पूरे हिंदुस्तान में किसी के ना हो दुश्मन हो रहा, अच्छा सो किसी के ना हो, हम जैसा भूत बच्चा हो जाए वो अच्छा, पर हम जैसा किसी को ना हो, अगले जन्म में सबको अच्छा जन्म मिले हमारे समाज को। बाबा का अर्धनारेश्वर रूप लेकर वो किन्नर समाज निकला है जो आपको दुआएं देता है और आपकी बलाएं अपने सिर पर लेता है, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि दुश्मन के बच्चे को भी इस योनि में जन्म ना मिले। वीडियो जर्नलिस्ट मूलचंद के साथ मोहसिन खान, न्यूज वन इंडिया। वही शिवमय हुए कावड़ मार्ग पर झांकी कावड़ सभी के आकर्षण का केंद्र बन रही है। दिन हो या रात हर कोई इन कावड़ को निहार रहा है। दिल्ली के रहने वाले भोले बाबा के भक्त तकरीबन 5.5 लाख रुपए से तैयार भगवान शिव का पूरा परिवार झांकी कावड़ के रूप में लेकर चल रहे हैं और उन्होंने इसको नाम दिया है बैल बारात। नंदी जी पर भोले बाबा और माँ पार्वती हैं सवार। कावड़ यात्रा में न्यूज वन इंडिया लगातार आपको अलग अलग रंग दिखा रहा है कावड़ मार्ग से, और जो भगवान भोले के भक्त हैं वो भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए झांकी कावड़ में उनके अलग अलग स्वरूप को लेकर आ रहे हैं।
दिल्ली के शिव भक्त कांवड़िए हैं जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर चले हैं और ये पूरे भगवान शिव का परिवार लेकर चले हैं। इसको ये बता रहे हैं कि ये बैल बारात है जिस पर आप देखेंगे कि भगवान शंकर जी और माँ पार्वती और उसके अलावा जो है यहाँ पर इस पूरे भव्य और दिव्य कांवड़ में यहाँ पर ये कंकाल और उसके अलावा कंकाल के पीछे आप देखेंगे ये भगवान कार्तिकेय की यहाँ पर मूर्ति है और भगवान कार्तिकेय के अलावा इधर भगवान गणेश जी विराजमान है और भगवान गणेश जी के पास में ही जो है शिवलिंग विराजमान है। तो कुल मिलाकर ये बैल बारात भव्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दिल्ली के शिव भक्त कांवड़िए हैं। बोले कितने साल हो गए आपको कांवड़ लाते हुए और ये जो भव्य झांकी कांवड़ लाए हैं ये बैल बारात आप इसे बता रहे हैं? ये हम पहली बार ही लाए हैं और ये हमने इसकी तैयारी सिर्फ एक महीने में के अंदर अंदर की है और इसका कुल बजट बैठा है हमारा 5.5 लाख का डीजे के साथ। और ये जो हमारे नंदी जी की जो गर्दन है ना ये मूविंग करती है और जो त्रिशूल है वो भी मूविंग करता है, तो अभी लाइट बंद है तो इसलिए हमने भी बंद कर रखा है इसको। तो इस तरह का मतलब जो आपने ये भव्य कांवड़ बनाई है इसके पीछे कोई खास वजह थी या फिर ये था कि इस कांवड़ यात्रा में आपको सबसे अलग दिखना है? सबसे अलग ही दिखना था कांवड़ यात्रा में। इसके पीछे हमने LED बॉल भी लगा रखा है, स्क्रीन चलती है, गाने चलेंगे इसमें और इसमें वीडियो आएगा। तो कैसी यात्रा रही, लोगों ने कैसा देखा है, जो बीच में जनता मिली बड़ा कहा होगा कि भाई बड़ी भव्य कांवड़ है? बहुत मन प्रसन्न हो गया, बहुत अच्छा लगा, सबको कांवड़ पसंद आई, सब खुश हो गए। जयकारा वीर बजरंगी, बोल शंकर भगवान की। तो आपने देखा कि ये भोले बाबा की भक्ति की शक्ति है और जो कांवड़ यात्रा के दौरान दूसरों से अलग करती है, इसी तरह की भव्य जो झांकी कांवड़ है वो अपने आप में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट मूलचंद के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया।